हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मेरा एक और सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे किसी चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट थी, तो आज वो चीज़ पूरी होगी। तो कहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो आप आगे हमें वीडियो में देखिए, और वीडियो को जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो बस ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये रहे दीपक बाबू, तो इन्होंने ही ब्लैक पहना है, तो हम दोनों ने मैचिंग की हुई है। तो देखो कितना स्टाइल मार रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट भी पहनते तो ये स्टाइल मारते हैं, और चश्मा लगा के सन ग्लासेस लगा के तो और ज़्यादा स्टाइल मारते हैं। तो वीडियो एंजॉय करिए आप लोग। आपकी रील बना रहे हैं, सॉन्ग डाल देंगे। पलट लगी है, दुबई मॉल जा रहा है। दुबई मॉल है ही इतना बड़ा कि अब गेट ढूंढो कौन सा गेट है, ये प्रॉब्लम है। इधर पर गेट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। ये रहा सामने दुबई मॉल है। ओए 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 कितनी फास्ट से निकल रहा है। ओए 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 वीडियो है, हर वीडियो में आप हम कैमरामैन बने रहते हैं। पता नहीं क्या ढूंढने। अच्छा हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन दुबई मॉल पता है क्यों चलना। हाँ चलते रहो बस, मतलब हाइट में छोटा है और लेंथ में लंबा है। चलते रहो। मोटे देख तो ऐसा लगता नहीं यार, इससे तो अच्छी दिल्ली के मॉल है, लेकिन चलते रहो। ये है गाइस दुबई मॉल। रश तो देखिए, मंडे का रश है। ये ग्राउंड फ्लोर है आई थिंक इसका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ में, कुछ नहीं है, खत्म है। पर ये लेंथ वाइज बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा। कि आप अब जैसे हम लोग फूड कॉर्नर ढूंढ रहे हैं तो देखिए ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब एरो के उससे देखते जाओ, लेकिन हर जगह वो है। पर हमें देखो वीडियो में देख गया था फूड कॉर्नर, बहुत आगे तक लंबा लंबा लगे। हल्दीराम यहाँ पे, हल्दीराम के भिन्न भी टास्क है अपने आप में, है ना।
यहाँ दुबई मॉल में ऐसे पकड़ के घूमना पड़ता है या ऐसे कनेर मिल गया, पर अब सीट ढूंढना भी टास्क है अपने आप में कोई कह रहा सूट, सीट ढूंढना भी टास्क है अपने आप में, अब सीट ढूंढो। आओ शुरू करो। मॉल से शॉपिंग की इसको भी सोचा नहीं था हम दुबई मॉल से शॉपिंग करेंगे तभी बोलते हैं फ्लैट पहन के रहो, जो हम सबको बोलते रहते हैं उनको भी हील पहन कर आ रहे हैं वाली हील जो नहीं। तो हम लोग भटक गए हैं, कहाँ सही जगह आ गए हम लोग को, जहाँ जाना है हम लोग को वो रास्ता ही नहीं मिल रही है। अब स्काई व्यू के लिए सॉरी जाना था, तो अब हम लोग को दुबई मॉल से रास्ता नहीं मिल पा रही है और हम लोग लेट हो रहे हैं। ये है दुबई मॉल का हाल, इसलिए हमें दुबई मॉल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे रास्ता नहीं मिलती है बाहर निकलने, बाहर निकलने के लिए मिलती है पर आपको जो लोकेशन चाहिए हो वहाँ नहीं मिलती। नहीं कहाँ से आप एंटर हुए थे, अभी आप सोचोगे वहीं से आप एग्जिट हो जाओगे तो नहीं हो पाते हो, इतना बड़ा मॉल है ये। देखो देखो बाबू कंफ्यूज हो गए, सही लोग उससे गेट से नहीं निकले ना तो फिर कैंसिल नहीं जाना हमें, लेट हो गया बहुत। फिर वापस दुबई मॉल आएंगे और शो देखेंगे। मोस्टली सब फ्लैट पहन कर आते हैं, आप जहाँ देखोगे ना फ्लैट 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 सब फ्लैट, देखो सब फ्लैट पहन, देखो सबके पैर देखते जाइए सब फ्लैट पर मिलेंगे, देखो सब देखो फ्लैट। भगवान यहाँ से पहचान गए है ना, लाइटिंग वगैरह इधर पर है वो रखी, इस लाइटिंग से पहचान गए कि इस वाले से अपन लोग एंटर हुए थे है ना। यस यहाँ से एंटर हुए थे ये आपने इधर से एंटर हुए थे, जो हम लोग को एक घंटा लग गया ढूंढते ढूंढते। इधर है ना ये स्लाइड है, आप देखोगे जो ऐसे लोग ऊपर उठा देते हैं फिर उसको नीचे दो वो स्लाइड हो रही, देखो देखो स्लाइड हो रही, देखो एक ये वो और वो है रोप वाला, जिसमें रोप में करके आपको आप पीछे के अंदर धक्का देते हैं तो आपको लगे गिर जाओगे, ये वो सीन है। जैसे इंडिया में फुट ओवर ब्रिज होते हैं ऐसे ही देखिए यहाँ पर है, पर ये पूरे देखिए बंद हैं और ए सी पूरा आपका चल रहा होगा, ये और यहाँ से फिर आप नीचे लिफ्ट के थ्रू आ सकते हैं। दुबई की सड़कें देख लो कितनी क्लीन सड़कें, आपको एक भी कूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं इसमें आप डालो एक भी देखो नहीं मिलेगा, ये साफ सड़क है। तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट यदि पैसा लेती है तो लगाती भी है और दिखता भी है, देखिए कितना क्लीन है हर जगह, क्लीन लेस देखिए क्लीन दुबई। इस वाली बिल्डिंग में हम लोग को जाना है सबसे ऊपर फ्लोर पे, वहाँ पे स्लाइड करेंगे हम लोग, ग्लास के ऊपर आप चलोगे तो इस बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग हम लोग को मिल नहीं रही थी, मतलब मिल तो रही थी लेकिन मॉल से नहीं निकल पा रहे थे हम लोग। यहाँ से एंट्री है Sky blue.
टिकट, वन टिकट इज 80 dirham ना, 80 dirham ना, ऑनलाइन 75 अराउंड का पड़ जाएगा आपको। सो यहाँ से एंट्री है इसकी, ये टिकट काउंटर है, ये ना कुछ सबमिट का है। ये है अंदर जाने की रास्ता। आप थोड़ी क्यों खींच रहे हो, टिकट मिसमैच हो जाता है, गिर जाता, खो जाता। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी उसमें वीडियो में है, उससे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जाएंगे लिफ्ट से ऊपर, नहीं स्माइल हगी चादर ओपन हैंड वो तो अच्छे लगेगी, वो बाद में परचेज करेंगे। तो वो फोटो दिखाते कहाँ हैं, ऊपर एपुलिया है ऐसी। ये ग्लास वॉक है ना, मेट्रो जा रही है, मेट्रो जा रही है, मेट्रो जा रही है, वो जा रही है। डर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मेट्रो तो मेट्रो जा रही है, मेट्रो तो हाँ नहीं था, मेट्रो जा रही है। ये डाउनटाउन दुबई है, ये साइड पूरा, ये हम लोग 52 फ्लोर्स हैं, तो ये जब दिख रहा होगा बादल देखो, बादल फ्रेम नहीं दिख रहा ना, यहाँ से फ्रेम नहीं दिख रहा ना, फ्रेम नहीं दिख रहा ना, फ्रेम सुंदर तो है दुबई, कुछ भी कहो ना, प्यारा तो लगता है ना। और यहाँ हम लोग आ गए हैं ग्लास लाइट करने के लिए, तो हम लोग को पहले लग रहा था यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन जब ऊपर आए तो इस स्लाइड के लिए
इस वाली राइड के लिए काफ़ी भीड़ थी, तो मतलब हम लोग को एक घंटा करीब तो ये लाइन क्रॉस करने में लग गया वहाँ तक आने में। तो दीपक की देखिए बारी स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा आप जाओ फिर मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। फिर जो ये बंदे करवा रहे हैं स्लाइड दे रहे हैं, तो इनको मैंने अपना फ़ोन दे दिया, मैंने कहा आप मेरी वीडियो बना लेना, तो इन्होंने वीडियो बनाई मेरी, तो आप देखिए वीडियो। मैंने बाद में सुना कि कोई जब मैं राइड कर रही थी पीछे से कोई मेरी नकल कर रहा था मम्मी। और फिर यहाँ पे आप शाम को ना जैसे जो बुर्ज खलीफा में फाउंटेन शो वगैरह होता है ना, तो इधर से भी आप वो देख सकते हो, वहां से तो बहुत पास में दिखता है, इधर से आपको बहुत जूम करके देखना पड़ेगा। मतलब हम लोग को तो क्लियर आइज से दिख रहा था, पर जैसे आप वीडियो बना रही हो ना तो आप लोग को इतना नहीं पता होगा कि मतलब कहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह हो रहा है, क्योंकि हम लोग को तो आइडिया है कि इस साइड पर होता है, तो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ का फाउंटेन शो और जो बुर्ज खलीफा में फाउंटेन शो होता है ना, दोनों में फर्क है, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल बुर्ज खलीफा का आपको क्लियर व्यू दिखता है कि बुर्ज खलीफा के अंदर कैसा, मतलब अंदर नहीं सॉरी, उसके आसपास का एरिया कैसा है, कैसे एंट्री वगैरह होती है, तो वो आपको सब इसमें दिखेगा। तो दुबई का ना अपने मतलब जैसे आप मॉर्निंग में इसका व्यू देखोगे तो अलग दिखेगा आपको, बिल्डिंग्स का कलर वगैरह, बुर्ज खलीफा का कलर, जब आप इवनिंग टाइम पे आओगे तो अलग दिखेगा, नाइट में अलग व्यू दिखेगा। तो आप वीडियो को पहले जाके देखेगा तब कैसा लग रहा था, आप देखिए लाइटिंग हो रहा तो कैसा लग रहा, और थोड़ी और बिल्कुल जब नाइट हो जाएगी ना तो और बिल्कुल एकदम अलग लगता है। तो तीन टाइप के व्यू हैं यहाँ। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, चाहते तो थोड़ा देर और रुक जाते हैं लेकिन फिर ट्रैफिक मिल जाता है ना अगर तक पहुंचने में, तो बस फिर हम लोग निकल रहे थे। तो ये लास्ट में जा रहे थे तो मतलब मैंने कहा दीपक से थोड़ा वीडियो बनाना, क्योंकि बाहर लाइटिंग दिख रही थी जब हम लोग दिन में आए थे, तो वो लाइटिंग नहीं थी, तो मैंने बताया ना अलग अलग व्यू हैं यहाँ के, तो बस वो थोड़ी सी क्लिप आगे वाली ऐड कर रही हूँ मैं। ओवर ब्रिज, तो ये दुबई का फुटओवर ब्रिज है, ये बाहर रोड है और ऊपर ऐसे बना हुआ है इस टाइप से, मस्त है ना, मस्त। दिल्ली मेट्रो किया आगे